हेलो दोस्तों, तो ये है मेरे पास हसवर्णा की स्वर्ट पेलिन और ये 250 सीसी बाइक है और इस बाइक का भी हम टेस्ट राइड करेंगे और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो वैसे मैंने अभी इस बाइक को थोड़ा सा चलाया था, तो ये बाइक बेसिकली ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए बनी है। काफ़ी अच्छी बाइक है, दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ इस बाइक की मुझे ये लगी कि इसका जो लाइट है, इसमें आपको पूरा LED सेटअप मिलता है। आगे भी आपको LED हेडलाइट्स मिलती है, LED इंडिकेटर्स मिलते हैं और पीछे का जो लाइट का सेटअप है वो भी आपको LED मिलता है। और इसके इंजन की एक बार बात करें तो इसमें आपको 248 सीसी का इंजन मिलता है जिसकी मैक्सिमम पावर 30 PS की रहती है और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 24 न्यूटन मीटर्स का है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस बाइक का और इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है वो KTM का इंजन है, तो इसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके इस बाइक में इंजन यूज़ किया गया है। और इस बाइक को वैसे भी हम चलाएंगे और देखते हैं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। इसका जो मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम लगा कि इसका जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा कम है। इसमें आपको 9.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, थोड़ा सा हाईवे राइड्स के लिए थोड़ा सा कम है। गाड़ी चलती काफ़ी अच्छी है और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। और वैसे ये बाइक वैसे ऑफ रोडिंग के लिए बनी है लेकिन सिटी राइड में भी काफ़ी अच्छी चलती है। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है और इसका स्पीडोमीटर अभी चल नहीं रहा है, वो इसका कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है, बट गाड़ी का जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। और इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलते हैं और ऑफ रोडिंग ABS भी मिलता है अगर आप ऑफ रोड के लिए जाते हैं ये इस बाइक में। तो पीछे का जो ABS है उसको आप बंद कर सकते हैं, जैसे आपने रॉयल इनफील्ड की हिमालयन में देखा होगा, तो वैसा ही इसमें आपको ऑफ रोडिंग ABS मिल जाता है जिसको सुपर मोटो ABS बोलते हैं। और थोड़ा सा जो इसका जो सेटिंग पोजिशन है थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अपराइट ज़्यादा है, थोड़ा सा आपको अनकम्फर्टेबल हो सकता है, बट ओके है। और ब्रेकिंग भी अच्छी है इस बाइक में, आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। पिकअप काफ़ी अच्छा है इस बाइक का और सबसे अच्छी चीज़ इस बाइक की ये कि स्पीड काफ़ी अच्छे से चली जाती है बाइक। और हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है, अगर आप स्पेशली ऑफ रोडिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छी इसकी हैंडलिंग मिल जाती है। और गाड़ी में ऐसा कोई लोड नहीं है, इसमें आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, तो काफ़ी सफिशिएंट परफॉर्मेंस मिल जाती है आपको इंजन की। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस बाइक को मैनूवर करना काफ़ी आसान है और काफ़ी अच्छी स्पीड चली जाती है। थोड़ा सा मैं इसका ये बोलूँगा कि आपका जो सेटिंग कंफर्ट है थोड़ा सा अलग है बाकी की आप KTM बाइक से कंपेयर करेंगे, तो थोड़ा सा जो है डेडिकेटेड टाइप का सेटिंग पोजीशन है। तो एक बार आप इसका टेस्ट राइड ले लें, उसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए कितनी सूटेबल है ये। बाकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है, वाइब्रेशन बहुत लिमिटेड है और इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 2.18 लाख ऑन रोड है और एक शोरूम प्राइस कुछ 1.8 के करीब है, तो प्राइस भी रीज़नेबल है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है और KTM जैसा ही लुक है, थोड़ा सा एग्रेसिव लुक है इस बाइक का, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक बोलते हैं इसको। इसका जो माइलेज है वो थोड़ा सा कम है, इसका जो माइलेज है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 32-35 KMPL का। तो यही सब हसवर्णा की स्वर्ट पेलिन BS6 बाइक का एक अपडेट वीडियो था। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू।